तो उधर लखनऊ के लुलू मॉल को लेकर जारी विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। लुलू मॉल विवाद पर बयानबाजी करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ पुलिस और प्रशासन को सख्त हिदायत दी है कि साजिश करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई हो। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। लुलू मॉल को लेकर विवाद जारी है, कभी नमाज पढ़ने को लेकर तो कभी लव जिहाद को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर मॉल प्रबंधन सफाई भी दे रहा है, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। वहीं नमाज के विरोध में हिंदू संगठन का हनुमान चालीसा पाठ करने की जिद को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन से विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बयान जारी कर कहा है कि लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए, सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा, मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। लुलू मॉल का विवाद 12 जुलाई को तब शुरू हुआ था जब यहां कुछ युवकों ने नमाज पढ़ने का वीडियो बनाकर वायरल किया था। अब पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए लुलू मॉल में नमाज अदा करने वाले चार युवकों की पहचान कर ली है। नमाज अदा करने वाले चारों युवक मुस्लिम हैं। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इन्होंने गुट बनाकर लुलू मॉल के अंदर नमाज पढ़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। अभी बाकी के 5 युवकों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।